हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, सुबह किसी ने मुझसे पूछा था कि सर जो ग्रुप डी में न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है वो किस तरह से रहता है, कहां से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो है ग्रुप डी के लिए कितने टाइप से न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर करने हैं, कौन कौन से टॉपिक से न्यूमेरिकल प्रिपेयर करने हैं और कौन सी बुक से आपको न्यूमेरिकल करने हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आपके रिक्वेस्ट पर ही मैं जो है वीडियोज़ बना रहा हूँ क्योंकि एग्जाम का टाइम चल रहा है, तो आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। तो जो भी आपका टॉपिक हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, या फिर टेलीग्राम पर जिनके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है मुझे व्हाट्सअप कर दिया करें, मैं शॉर्ट में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि न्यूमेरिकल किस किस टॉपिक से आते हैं और कितने न्यूमेरिकल आपको करने हैं। तो पूरा वेटेज भी मैं आपको बता दूंगा, ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक यहाँ पर अपडेट देना चाहता हूँ। अगर आप ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके पुराने टेस्ट हैं वो खत्म हो गए हैं तो आप नए टेस्ट लगा सकते हैं। इस एप्लीकेशन का नाम है परीक्षा ऐप। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप लोग जो है इसमें लॉग इन करने के बाद इस वाले इंटरफेस पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। टेस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं। अगर ग्रुप डी की मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पर आपके जो है बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। जैसे अगर मैं ये 30 टेस्ट वाला यहाँ पर परचेज करना चाहता हूँ जिसका प्राइस ₹299 है, लेकिन यहाँ पर आप लोग जब पे करेंगे तो आपको यहाँ पर कोड यूज करना है RRB50। जैसे आप लोग यहाँ पर RRB50 कोड यूज करेंगे तो यहाँ पर सीधा आपको ₹150 का डिस्काउंट मिल जाएगा और ₹149 में आपको ये टेस्ट मिल जाएंगे। तो आप जाकर जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इनको चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपकी ये क्लियर कर दूं। देखिए, जो आपके ग्रुप डी में न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं वो फिजिक्स से ही पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पर आपकी थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिजिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं। सबसे पहला आपका वर्क यानी कि कार्य वाला जो टॉपिक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस पर जो है आपके काफ़ी सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। साथ ही एक चीज़ और क्लियर कर दूँ मैं आपको, जो ग्रुप डी में न्यूमेरिकल आएगा वो बिल्कुल फॉर्मुला बेस्ड आएगा। ज़्यादा घुमा फिरा कर यहाँ पर न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है। रेयरली किसी एक दो शिफ्ट में, ज़्यादा टिपिकल अगर शिफ्ट आ जाती है तो एक दो न्यूमेरिकल घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। अदरवाइज बिल्कुल फॉर्मुला बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो सिंपल आपके जो है न्यूमेरिकल यहां से बनते हैं। बिल्कुल इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। न्यूमेरिकल आपसे जो है आसानी से एग्जाम में बन जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि वेटेज के बारे में आप लोग पूछते हैं कि कहाँ से कितने न्यूमेरिकल आएंगे। देखिए, रेलवे में ऐसा कभी भी फिक्स नहीं बताया जाता है कि किस टॉपिक से या किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक आइडिया लगाया जाता है। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितने मैंने एग्जाम्स पहले दिए हैं रेलवे के भी, और जितना मैंने प्रीवियस ईयर को मैंने 2-3 बार किया है, तो मुझे थोड़ा सा वहाँ पर आइडिया लग गया है। आपके ज़्यादा न्यूमेरिकल जो है फिजिक्स के आएंगे, केमिस्ट्री इतने न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। और देखिए, मेरा जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम था 2018 का, मेरी शिफ्ट में तो एक ही आपका न्यूमेरिकल पूछा गया था। बाकी कुछ मेरे सब्सक्राइबर मुझे बताते हैं कि 3-3 या फिर 4-4 न्यूमेरिकल भी उनसे पूछे गए थे। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। बाकी मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि 4 से 5 न्यूमेरिकल, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे क्योंकि 25 नंबर की साइंस है। अगर उसमें 4-5 न्यूमेरिकल देगा तो वो भी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम है। अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग तो 3 से 4 न्यूमेरिकल आपके आने चाहिए। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर लिखे हुए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा टॉपिक है पावर यानी कि शक्ति वाला, यहाँ से आपसे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं ग्रुप। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एनर्जी है। देखिए, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनर्जी आपकी 2 टाइप की होती है, इनकी जो ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, हाफ mv² और mgh। ये 2 फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से करने हैं। और बुक के बारे में मैं चलिए आपको बता देता हूँ। जो यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की बुक है उसमें जितने भी न्यूमेरिकल दिए गए हैं, सिर्फ अगर आप वो कर लेते हैं तो उससे बाहर नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैंने बुक को 2-3 बार किया है, मुझे अच्छे से पता है कि वहाँ से अगर आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो कोई अदर बुक लेने की आवश्यकता नहीं है, ना ही एनसीईआरटी से न्यूमेरिकल करने की आवश्यकता है। सिर्फ आपको यूथ कॉम्पिटिशन टाइम की जो बुक है उसमें जो है जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, डायरेक्ट वो टॉपिक खोलिए, वहां पर जितने भी न्यूमेरिकल दिए गए हैं उन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लीजिए, फॉर्मुले नोट डाउन कर लीजिए, बस इतना ही काफी है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी वाला है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, काफी सारे न्यूमेरिकल यहां से बन जाते हैं। फोर्थ है यहाँ पर आपका फोर्स यानी कि बल, यानी कि F = ma, मास इनटू एक्सीलरेशन। ये वाले फॉर्मुले पर भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। फिफ्थ है आपका मोमेंटम यानी कि संवेग, P = m v। तो ये वाला भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर्मुला, स्क्रीनशॉट आप इनका ले लीजिए। एक्सीलरेशन छठा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि जो त्वरण होता है, इसके आधार पर भी न्यूमेरिकल काफी बार पूछे गए हैं। और देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन है, यहां से भी आपके न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। गति के समीकरण जिनको बोलते हैं, 3 गति के समीकरण आपकी होती है, v = u + at, s = ut + ½ at² और v² = u² + 2s। यहाँ पर जो है आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है साइन का, कहाँ पर आपको साइन माइनस लेना है, कहाँ पर प्लस लेना है, ये आपको थोड़ा सा क्वेश्चन करते टाइम ध्यान रखना है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। 8वां इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यानी कि दूरी और विस्थापन, यहाँ से भी बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और 9th पर है इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी वाला जो विद्युत वाला यानी कि जो चैप्टर है, ये आपका न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ये वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करना है जब आप फिजिक्स करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये चैप्टर थोड़ा लेंथी भी है और इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ से जो न्यूमेरिकल आपके बेसिकली बनते हैं वो आपके ओम्स लॉ से बनेंगे या फिर करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस से बन जाते हैं। और लास्ट है आपका मिरर एंड लेंस फॉर्मूला। फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ये 2 फॉर्मूले के आधार पर कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर टिपिकल शिफ्ट आपकी आ गई तो उसमें यहाँ से जो है आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। तो फिजिक्स के तो ये 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ आपको जो है नोट डाउन कर लेने और इनसे आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेनी है। बाकी देखिए, केमिस्ट्री के अगर आप करना चाहते हैं तो 5 मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर लिखे हैं। पहला है मॉलिक्यूल एंड एटॉमिक वेट यानी कि अणु या परमाणु भार, इसके आधार पर कभी कभार आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा आपका मोल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पिछले 10-12 साल में जो है 1-2 बार यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा गया है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया है, जो करना चाहे वो कर सकता है। सिंपल सा एक इसका फॉर्मूला है मोल कंसेप्ट का, वो देख लेना, उसके आधार पर ही क्वेश्चन आएगा। तीसरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो सोल्यूशन यानी कि विलियन वाला है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है और सादृश्यता वगैरह इसमें निकालनी होती है, तो जो है ये वाला आप कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन केमिस्ट्री से बन सकता है, तो ये वाला थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी फोर्थ पर है एटॉमिक एंड मास नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान क्रमांक, इसके आधार पर कई बार न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। और लास्ट है आपका गैसेस लो, ये भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी ले लिया है क्योंकि 1-2 बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो केमिस्ट्री के सिर्फ यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिजिक्स के मैंने आपको बता दी है। बाकी अगर आप लोग किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, टेलीग्राम पे लिख सकते हैं, जिनके पास व्हाट्सएप नंबर है व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट में सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।